गलियां देखें जिस तरीके से इन गलियों की कारपेटिंग हो रही है। मेरा बचपन यहाँ पे ब्लॉक 5 क्रिकेट में गुजरा है और इन्हीं ग्राउंड्स के अंदर हमने क्रिकेट खेली है। मैंने अपनी ज़िंदगी के अंदर कभी भी इन गलियों को बनते हुए नहीं देखा है। ये पहली बार क्रिकेट के अंदर जब एक दफ़ा बनी होगी उस ज़माने में बनी होगी, उसके बाद आज ये बन रही है। ये यहाँ पे जितनी भी गलियाँ हैं तमाम गलियों को हमने कारपेटिंग कराई है। ये स्ट्रीट पूरी कारपेट हुई है, इसके अलावा ये वाली जो स्ट्रीट है ये पूरी कारपेट हुई है और इसके साथ साथ ये वाली गली जा रही है, ये आप देख रहे हैं ये भी कारपेट हुई है। ये बेसिकली हैंगिंग गार्डन अपार्टमेंट की बैक साइड है, हबीब सेंटर अपार्टमेंट की बैक साइड है, आईबी अपार्टमेंट की बैक साइड है। इसके सराउंडिंग में बेमार अपार्टमेंट्स हैं, इसके सराउंडिंग में बेलीव्यू अपार्टमेंट्स हैं। ये जितना भी एरिया है तमाम गलियां जो हैं वज़ीर आज़म इमरान खान के वफाकी फंड्स के ज़रिए इन गलियों को हम कारपेट करा रहे हैं, इनको बना रहे हैं। कोशिश कर रहे हैं कि जो बच्चे यहाँ पर शाम में क्रिकेट खेलते हैं कूदते हैं उनकी जो एक यहाँ के जो लिविंग स्टैंडर्ड्स हैं उनको हम बेहतर कर सकें। यहाँ के एरिया वालों से भी हमने गुजारिश की है कि साफ़ सुथरा रखें। बनस्बत मैं ये ज़रूर बताना चाहूँगा कि यहाँ के पार्क का हाल आप देख रहे हैं क्या है। ये पार्क आपके सामने है जिससे हुकूमत इस पार्क को देखती है। यहाँ पे हम बचपन में क्रिकेट खेलते थे और आज भी इस जगह का वही हाल है। तो उम्मीद तो है कि इससे हुकूमत इसको बना दे, DMC बना दे, पार्क डिपार्टमेंट बना दे। वो सामने देखें कब्ज़े हुए हैं, पिछले एक महीने से बोल रहे हैं कब्ज़े खाली कर दें। हालाँकि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स हैं कि किसी भी पब्लिक प्लेस के ऊपर कोई चीज़ बनाई नहीं जा सकती। DMC वालों ने यहाँ पे अपनी DMC के कमरे बनाए, लोगों का सामान लेकर आते हैं, यहाँ पे जमा करते हैं, यहीं पे इनके साथ सौदे करते हैं और वापस देते हैं। तो इंशाल्लाह ताला तहरीक इंसाफ इसी तरह काम करती रहेगी। पूरे कराची में तहरीक इंसाफ के MNAs के ज़रिए इसी तरीके से तरक्याती काम हो रहे हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपके एरिया में काम हो, आपकी गली मोहल्ले बने, पानी की लाइन्स हो गई, सिविच की हो गई, तो आप प्लीज़ अपनी तहरीक इंसाफ के MNA से रब्ता करें। थैंक यू।